मुरैना जिले के ब्लॉक केलारस अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुलहरी में हो रही अनियमितताओं को देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हो। जब हमारे कैमरे की नजर ने देखा कि परीक्षा दे रहे हो छात्र किताब रखकर आपस में नकल कर रहे थे, वहां परीक्षा लेने कोई शिक्षक उपस्थित नहीं था, बच्चे अपने हाथों से ही कॉपियां और पेपर उठाकर ले रहे थे। चपरासी ने स्कूल खोल रखा था और परीक्षा देने वाले छात्र आ रहे थे। स्कूल के प्रिंसिपल महोदय 12:30 बजे स्कूल पहुंचे। जब उनसे बात की गई, तो उन्होंने बताया कि 3 शिक्षक शासकीय कार्य से गए हुए हैं और 3 शिक्षक बिना बताए अनुपस्थित मिले, जिसमें परीक्षा संयोजक मैडम भी नहीं आई। परीक्षा के बारे में मैडम ही बता सकती है, ऐसा प्रिंसिपल का कहना है। इस विद्यालय में छात्र पढ़ने नहीं आते, केवल कुछ छात्र ही परीक्षा देने आए। मिस्टर साहू का आवेदन है, वो शासकीय काम से बीआरसी ऑफिस डाटा एंट्री कराने गए हैं और मुकेश राठौर बीओ ऑफिस में है, वो भी एक सांख्यिकी जानकारी जमा कर रहे हैं। मिस्टर बिसारिया, रेखा शर्मा, प्यारेलाल उमरिया और अनीता शर्मा, इनके मेरे पास में कोई आवेदन ये कोई जानकारी नहीं है, कोई आवेदन नहीं। अच्छा, प्रभारी का काम है ये। कौन थे परिचय? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी कहाँ आई? आवेदन तो है नहीं आज, अभी वो आवेदन नहीं है। आप कह रहे हैं पता नहीं है, तो इसका कारण क्या है? तो उसकी आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कराएंगे? उनसे जानकारी, क्योंकि परीक्षा है और परीक्षा के समय क्यों अनुपस्थित है, जानकारी लेंगे उनसे। सर अभी यहाँ सीरे दर के नकल चल रही थी, भेड़ पकड़ी जैसे पेपर हो रहे हैं, इसका क्या कहना है आपका? अभी जाके हम डीएम साहब से भी बैठ बनाएंगे, तो आपको क्या कहना है? ड्यूटी पे जो है उनसे बात करते हैं। इस विद्यालय में 9 कर्मचारी नियुक्त हैं, जिसमें मनीष नाम के शिक्षक और चपरासी बसंत शर्मा ही स्कूल में मिले। इस विषय पर हमने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दफेदार सिंह सिकरवार से भी बात की, तो उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात करने को कहा। शिक्षा अधिकारी इस अव्यवस्था पर कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहे हैं। कैसे होगा मध्य प्रदेश के नौनिहाल बच्चों का विकास? क्या इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ध्यान देगी? इसी गुलहरी संकुल केंद्र में कई वर्षों से फर्जी अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां सहित कई गड़बड़झाले देखने को मिले हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर कुछ न होना आश्चर्यजनक है। केलारस से राजेंद्र धाकड़ की रिपोर्ट।